सो फाइनली हमारी गेम के अंदर न्यू रैंक का सीजन आ चुका है, सीजन 41। एंड अभी जो है सीजन 40 का रीकैप शो कर रहा है, जिसके अंदर मेरा ग्रैंड मास्टर 4 था। एंड मैंने जो है वेपन के अंदर जो है अपने MP40 के अंदर टॉप 9 किया था इंडिया के अंदर, हालांकि टॉप 6 किया था है? और अपनी सेकेंड आईडी के अंदर जो है मैंने ग्रैंड मास्टर 4 लगाया था, क्योंकि मेरी मेन आईडी ओशान गेमिंग के अंदर जो है ब्लैकलिस्ट हो रखी थी। सो फाइनली यहाँ पे शो कर दिया सीजन 41। एंड यहाँ पे पिछले सीजन आप लोग देख सकते हो, सीजन 40 में मैं ग्रैंड मास्टर 4 पे था, और अभी जो है रैंक ड्रॉप करके जो है डायमंड 3 के अंदर छोड़ा है गरीना वालों ने। हालांकि मैं इस आईडी के अंदर तो इस सीजन पुश करने नहीं वाला हूं, क्योंकि मेरा मेन आईडी शायद से मेरे अकॉर्डिंग अनब्लैकलिस्ट हो चुका होगा। तो हम उस आईडी के अंदर चल के देखते हैं कि हमें कहां पे ड्रॉप किया है। एंड यहां पे आप लोग देख सकते हो, मैं अपनी मेन आईडी के अंदर इलीट मास्टर 3 पर था। एंड अभी से जो हम अपनी मेन आईडी के अंदर पुशिंग करने वाले हैं, एंड फाइंड आउट करने वाले हैं कि क्या मैं 24 घंटे के अंदर रैंक पुशिंग करके अपने रैंक को ग्रैंड मास्टर लगा पाता हूं डायमंड 2 से। हमें करीना वालों ने डायमंड 2 पे छोड़ा है, तो हम डायमंड 2 से ग्रैंड मास्टर तक 24 घंटे का ट्राई करने वाले हैं। लेट्स सी होता है कि नहीं। फटाफट से अपने गेम को स्टार्ट करते हैं। सो फाइनली अब हमारा गेम स्टार्ट हो चुका है। एंड लॉबी वगैरह आप लोग चेकआउट कर सकते हो, एवरेज से प्लेयर आ रखे हैं। बट यहाँ पे मैप अगर आप लोग चेकआउट करोगे तो कलहारी मैप आ रखा है। मेरा हमेशा सीजन की स्टार्टिंग के अंदर जो है ना ऐसे से ही मैप आता है, मतलब कभी भी नॉर्मल मैप नहीं आता, लाइक नेक्स्ट ईयर और बरमूडा कभी नहीं, एंड कलहारी मैप आया इस बारी। लेट्स सी कहाँ पे हम लैंड करते हैं। यहाँ पे मैं जो है ना फटाफट से लैंडमार्क करके जो है फटाफट से लैंड कर जाता हूँ। एंड लैंड करते ही साथ ही मैं गन वगैरह उठाता हूँ, एंड मेरे साथ में एक एनिमी कूदती है। सो यहाँ पे इस दीदी को मैंने इजीली यहाँ पे ट्रोगन से फिनिश कर दिया। उस एनिमी को मारते के साथ ही मुझे पता चलता है कि यहाँ पे और भी बंदे हैं यार, तो मैं फटाफट से अलर्ट पोजीशन में आ जाता हूँ एंड एक एनिमी के ऊपर रश मारता हूँ। बट ये एनिमी मुझे हेडशॉट से फिनिश कर देता है। बंदे के पास MP40 थी। अब मेरी हिम्मत नहीं होती वहां पे लैंड करने की, तो मैं थोड़े से डिस्टेंस के अंदर लैंड करता हूँ। एंड यहाँ पे आने के बाद थोड़ी देर कैंप वगैरह करने बैठ जाता हूँ मैं, क्योंकि फर्स्ट गेम होता है तो इसलिए मैं ज्यादा रिस्क नहीं लेता था। अब वहां से गाड़ी वगैरह उठा के ना यहाँ पे मेरे को एक ड्रॉप चार्ज करने वाला दिखता है, तो मैं सोचता हूँ कि मेरे पास लूट भी नहीं है, 4 लेवल का वेस्ट वगैरह नहीं है, तो ड्रॉप चार्ज कर लूँ। अब जस्ट ड्रॉप चार्ज करके काफी अच्छी खासी लूट मिलती है, लेकिन एक एनिमी दिख जाता है। बंदे ने बहुत डैमेज दिए, 40 HP का छोड़ा। इसको तो मैंने फिनिश कर दिया, लेकिन पीछे से किसी और ने मार दिया यार, क्या ही। अरे ये तो वही दीदी जिसको मैंने स्टार्टिंग में मारा था। लेवल सबके निकलेंगे। लॉल मूवमेंट हो गया यहाँ पे मेरे साथ, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे मैच जो है शो ही नहीं करता रिजल्ट, गरीना के सस्ते नशे ग्लिच फायर बना जा रहा है कभी कभी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बहुत ही कमाल की वेबसाइट के बारे में बताना चाहूंगा। इस वेबसाइट का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाने के बाद जो आपको अपना फेक इंस्टाग्राम की आईडी को यहाँ पे लॉग इन कर लेना है, फेक इंस्टाग्राम की आईडी को ही लॉग इन करना। उसके बाद आपको नीचे की साइड में जाना है, आपको सेंड फॉलोअर्स का ऑप्शन मिलेगा। सेंड फॉलोअर्स में जाने के बाद अपना ओरिजिनल अकाउंट डालना, जैसे कि मैंने ओशान गेमिंग डाला है। उसके बाद अपने अमाउंट टाइप करना जितने आपको फॉलोअर्स चाहिए, एंड फॉलोअर्स डालने के बाद आपके इंस्टेंटली फॉलोअर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत ही कमाल की वेबसाइट है, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड आपको मैं लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ मेरे फॉलोअर्स आने कैसे स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पे आप लोग लाइव प्रूफ देख सकते हो कि मेरे इंस्टेंटली यहाँ पे 25 फॉलोअर आ चुका है, मतलब 25 फॉलोअर इंस्टेंटली मेरे यहाँ पे आ जाते हैं। फटाफट से जाओ अपने फॉलोअर्स गेन करने स्टार्ट कर दो। सो यहाँ पे नेक्स्ट मैच के अंदर मेरे पास MP40 और 3 लेवल की स्कार होती है। सामने की साइड में एक बंदा है, और इस गेम के अंदर ऑलरेडी 3 किल कर रखे होते हैं। अभी इस एनिमी को MP40 से काफी ज्यादा डैमेज दिया मैंने, एंड एक और एनिमी आ गया यार। इस बंदे ने उसका किल, मेरा किल चोरी कर लिया। ऑलराइट वापस से मैंने अपना किल ले लिया, बट मैं काफी डैमेज हो रखा हूँ, तो हम अंदर चल के फटाफट से हील करते हैं। okay. नहीं तो ये गाड़ी से मेरे को भी उड़ा देगा हलवाई क्या। एंड जस्ट नीचे आके मैं हील वगैरह कर लूँ अपने आपको, कहीं पता चले मैं भी उड़ जाऊँ। अब इसकी गाड़ी ना मैं तोड़ने लग जाता हूँ अपने इसके मॉन्स्टर ट्रक को। बट ये बंदा जोन के अंदर पता नहीं क्या कर रहा है, कैसी ड्राइविंग कर रहा है यार ये। ऑलराइट कूदा, इसका वॉल काफी तगड़ा है, लेकिन एट दी एंड मैंने इस बंदे को फिनिश कर दिया। यहाँ पे मेरे 6 किल कंप्लीट हो जाते हैं। अब वहां से निकलने के बाद ना गेम का आखिरी ही एनिमी बचता है मेरे पास। 3 लेवल का यहाँ पे M60 और M10 है। आखिरी एनिमी बिल्कुल एवरेज है, और इसको मारने के बाद 8 किल के साथ ये वाला गेम प्ले मेरा बहुत ही इजीली बोया निकल जाता है। सेकंड गेम मेरा, जिसके अंदर भी मेरा रिजल्ट ही शो नहीं कर रहा। आई डोंट नो गरीना पता नहीं क्या कर रही है, ये क्या हो गया समझ ही नहीं आ रहा है, ऐसा बार बार शो कर रहा है दो गेम में। अब अगला गेम स्टार्ट करने से पहले मैं अपने आईडी लॉग आउट करके दोबारा से री लॉग इन करता हूँ, बिल्कुल, क्योंकि गरीना पता नहीं कौन सा ग्लिच कर रही है जिसे रिजल्ट ही शो नहीं कर रहा। और यहाँ पे मेरा रैंक भी काफी कम है, अब तक तो डायमंड 3 लग जाना चाहिए था, बट क्या ही बोले हम गरीना वालों को। अब नेक्स्ट गेम के अंदर यहाँ पे मेरे पास AWM होता है, एंड 2 एनिमी फाइट ले रहे होते हैं, मैं इजीली इनका प्रॉफिट उठा लेता हूँ। एंड किल चोरी कर लिया, और बिल्कुल एंड मोमेंट तक ना मैं पूरा कैंप कर रहा था इस गेम के अंदर। आप लोगों के ही कमेंट पड़ रहा था, एक एनिमी को हेडशॉट मार दिया यार ये बंदा, मेरा एम लेने का कोशिश कर रहा था, इसी का एम ले लिया। अब आखिरी के 2 एनिमी बचे, आखिरी एनिमी इजीली इसकी स्किल ब्लॉक, एक शॉट कनेक्ट किया AWM का, एंड दूसरा शॉट नहीं हो रहा कनेक्ट यार। भाई बंदे ने पूरा पैक ही कर लिया, थोड़ा सा ओपन है, एम ही शॉट कनेक्ट ही नहीं हो रहा इसका शॉट। बस करो सर, बंदा कभी वॉल डाल दे रहा है कभी कुछ, कोई नहीं MP40 से मार देते हैं। एंड एट द एंड इसको फिनिश करने के बाद ये वाला गेम प्ले भी मेरा बोया निकलता है। लाइक 3 गेम के अंदर 2 गेम बोया निकाल लिए, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। और यहाँ पे मेरा इजीली जो डायमंड 3 लग जाता है, सो यहाँ पे अपना अच्छा खासा प्लस दिखता है मेरे को। उसके बाद जस्ट गेम के बैक में आता हूँ, एंड यहाँ पे मेरे को चेस्ट मिल जाती है किक ऑफ रिवॉर्ड,
जिसके अंदर यहाँ पे किंगफिशर की इस बार स्किन मिली है, बढ़िया ही है, फ्री की है तो अच्छी है। चीन टपाक डम डम। अगली गेम स्टार्ट करते के साथ ही जो है आखिरी का एनिमी बचा इस वाली गेम के अंदर आप लोग देखो, और ये बंदा मुझे बहुत तंग कर रहा होता है, लाइक मेरे ऊपर स्काइलर वगैरह फेंक रहा होता है। इसके ऊपर एक शॉट मैंने कनेक्ट किया एंड फटाफट से हम रश मारेंगे। सो यहाँ पे इस वाली गेम के अंदर मेरे 4 किल ऑलरेडी है एंड इसका स्किल ब्लॉक कर दिया और M10 से काफी डैमेज दिया, लेकिन एट भी AWM का शॉट कनेक्ट करके इजीली ये वाला गेम प्ले भी बोया। और इसके अंदर मेरा रैंक प्लस मैं शो ही नहीं कर पाता आपको, यहाँ पे मैंने 3 का स्ट्रीक दिखा दिया, मेरा 3 का स्ट्रीक लग जाता है इस गेम के बाद। यहाँ पे ना इस गेम के आखिरी के 2 ही एनिमी है एंड ये वाला एनिमी मुझे बहुत ज्यादा तंग कर रहा था और एट दी एंड मैंने इसको फिनिश मतलब लॉक कर दिया एंड आखिरी एनिमी जो है ना पहाड़ के ऊपर चढ़ा हुआ था। लाइक परगेटरी मैप के अंदर यही चीज मुझे बड़ी गलत लगती है कि जो जोन है ना बड़ा अजीब जगह पे बनता है। ऑल राइट, ये एनिमी कहीं मार ही ना दे, स्काइलर का मैं प्रॉफिट उठा लेता हूँ एंड इसको इजीली हेडशॉट मार दिया। अपनी हाइट का एडवांटेज ले लिया मैंने, इसने अपनी हाइट का एडवांटेज नहीं लिया, ये क्या लॉजिक है। ऑल राइट, ये वाला गेम भी बोया निकलता है जिसके अंदर मेरा यहाँ पे 43 का प्लस लगता है और डायमंड 4 लग गया। लाइक सीरियसली बहुत ही इजीली और स्मूथली चल रहा है अभी तक तो बोया। यहाँ पे 2 का स्ट्रीक, मतलब गरीना नशे कर रही है क्या। आई सीरियसली डोंट नो यार गरीना ऐसा क्यों कर रहा है मतलब मैच रिजल्ट के अंदर। यहाँ पे एक एनिमी होता है एंड गाइस ये कोई और नहीं हमारे सब्सक्राइबर है। अब वो कैसे पता चलेगा बोल लो देखो, ये एनिमी मुझे जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से फिनिश कर देता है कट्टे से एंड जब ये बंदा मुझे मार देता है तभी से रियलाइज होता है कि इसने ओशान गेमिंग को मारा, तो फटाफट से ये भाई लेट जाता है एंड हम इन्हें लाइक देके गेम को बैक मारते हैं जिसके अंदर यहाँ पे हमारा प्लस होता है 19 का। चल निकल एंड बोया मिस हो गया, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आखिरी के 2 ही एनिमी है एंड मैं बहुत सीक्रेटली चुपचाप बैठा हुआ था यहाँ पे और आखिरी बंदे को मैंने मारा, दूसरा वाला बंदा एलिमिनेट हो गया और गेम बोया। बहुत खूब बहुत खूब, मतलब बड़े अजीब तरीके से मेरा इस बारी सीजन के अंदर बोया निकल रहा है। मतलब पहला ऐसा सीजन है जितने इजिली बोया निकल रहे हैं, वरना हर बारी बहुत डिफिकल्ट होता है। यहाँ पे जो ऐसा गेम के अंदर मैं इस वाली एरिया के अंदर लैंड करता हूँ और यहाँ पे बहुत सारे एनिमी कूदे मेरे साथ में, लेकिन एक एनिमी को मैंने हेडशॉट से फिनिश कर दिया। और मुझे इस यहाँ पे जो है ना इस कलहारी मैप के अंदर काफी सारी लोकेशंस के नाम तक नहीं पता। ऑल राइट, यहाँ पे मैंने एक्समेट से को फिनिश किया, दूसरा बंदा पीछे की साइड में है, ये रहा, बिल्कुल बॉट सा है ये, मतलब बॉट तो नहीं बोलेंगे, बिल्कुल न्यू प्लेयर है एंड इसको मारने के बाद मैं ऊपर देखता हूँ लेकिन कोई और मुझे दिखता ही नहीं। सो यहाँ से निकलने जाता ही हूँ कि एक और दीदी दिख जाती है और ये दीदी मेरा एम लेने का ट्राई कर रही होती है। आप लोग देखो जैसे ही एम लेती है इजिली हेडशॉट मार देता हूँ मैं इसे। ये कैसे हो गया, बिल्कुल पता नहीं ऐसी लॉबी अचानक से क्यों आ गई मेरी। यहाँ पे 4 किल मेरे कंप्लीट हो जाते हैं एंड उस वाले एरिया से जस्ट निकल ही रहा था, एक बंदा यहाँ पे एम खोल के बैठा होता था, इसको भी हेडशॉट दे दिया। 5 किल कंप्लीट हो जाते हैं, बस AWM ढूंढ रहा हूँ मैं तो। और इस सीजन का इस मैच जो है ना AWM के अंदर प्लस कर रहा हूँ, ये बात मुझे भी नहीं पता थी जब तक मेरा हीरोइक नहीं लगता, हीरोइक के बाद मैंने डिसाइड किया था। बताओ इतना सो जस्ट अब वहां से निकलने के बाद इस वाले एरिया के अंदर आता हूँ एंड ऊपर की साइड में एनिमी है। अब उस बंदे ने मुझे देख लिया, अब जस्ट जैसे ही वो देखता ना पता नहीं कैसे मार रहा है यार, मैं कितना बचने की कोशिश कर रहा हूँ, बंदे ने सिर्फ 10 के HP का छोड़ा। अब फटाफट से मैं सुपर मेडिकेट मारने लगता हूँ, इतनी देर में वो बंदा ना मेरे ऊपर नेट कुक करके फेंक देता है और मेरे को फिनिश कर देता है। हालांकि वो बंदा भी अच्छा था, बहुत ही परफेक्ट नेट कुक किया उसने, लेकिन फाइनली गाइस जैसे ही मैं गेम बैक मारता हूँ यहाँ पे 32 के प्लस के साथ मेरा डायमंड रैंक जो है ना कन्वर्ट हो जाता है अपने हीरोइक के अंदर एंड यहाँ पे हीरोइक अगेन लगा के अच्छा ही लग रहा है। हालांकि मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे के अंदर हीरोइक लगा लिया, I don't believe it. तो इस बारी मजा नहीं आया इतना। यहाँ पे 32 के प्लस के साथ लगा था एंड ट्रोगन गन आप लोग देख सकते हो कितनी सारी गन में प्लस हुआ। और यहाँ पे मुझे एनवलप मिल चुका है, ये मेरा 20th एनवलप है, जलवा है हमारा। और 20 सीजन हो गए मुझे रैंक पुशिंग करते करते, हालांकि इससे ज्यादा ही हो गए एनवलप वो शो ही नहीं करता। इस बार हीरोइक की शर्ट बड़ी अजीब और बिल्कुल ही अजीब सी, आपको कैसी लगी। What? मुझे अच्छी नहीं लगी पर्सनली बताऊं तो, और इमोट तो ये लोग सिमिलर सा ही देखते हैं। और ये भी अजीब सा ही था अवतार और बैनर, करीना वालों के पास लाइक कुछ डिजाइनर वगैरह कैसे, इनके डिजाइनर क्या ही बोले हम इन्हें, साले मजाक बना के रखते हो। यहाँ पे मैं केप टाउन के अंदर लैंड करता हूँ एंड लैंड करते के साथ ही पीछे की साइड में एक एनिमी होता है, उसको हेडशॉट से इजीली फिनिश कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैंने जो है बेजोन भी उठा लिया। अब बेजोन जिस मैं पिक ही करता हूँ कि एक एनिमी और दिख गया यहाँ पे एंड इस एनिमी को भी काफी ज्यादा डैमेज देके इजीली यहाँ पे 2 किल कंप्लीट कर लिया मैंने केप टाउन के अंदर ही। अब केप टाउन के अंदर मैं ज्यादा देर सर्वाइव नहीं करता हूँ, वहां से निकलने के बाद ना सामने की साइड में इस वाली एरिया के अंदर एक एनिमी होता है और इस बंदे को मैंने काफी ज्यादा डैमेज ऑलरेडी दे रखा होता है, तो यहाँ पे मैं सो सीधा रशी मार देता हूँ यार। लेकिन ये एनिमी से ना थोड़ा सा अंदर से डर सा लग रहा है पता नहीं क्यों। यहाँ पे FGL का फायदा उठाते हुए 53 का डैमेज एंड एक और डैमेज दिया लेकिन आया नहीं डैमेज, और इजीली उसको मैंने फिनिश कर दिया। एक और बंदा आ गया यार, कितने सारे एनिमी, और ये बंदे के पास मैक्स 7 है, तो मैं फटाफट से AC का यहाँ पे गाड़ी उठाता हूँ जीप, लेकिन ये अपनी ही जीप को फोड़ देता है, पूरा इसने अपनी जीप फाड़ दी एंड मेरे को भी फिनिश कर दिया, मतलब नॉक कर दिया मैक्स 7 से। यार मैक्स 7 सीरियसली बहुत खतरनाक डेडली चल रही है सीजन एंड ये एनिमी जो है ना एक और एनिमी आता है इसके पास, इसकी भी गाड़ी फोड़ देता है एंड इसके ऊपर भी फाइट लेना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे मेरा 15 का प्लस होता है और 29 पे पोजीशन निकल जाता है। नेक्स्ट गेम में 26 का प्लस होता है और उसकी अगली गेम में यहाँ पे आप लोग देखो मेरे पास M4 River है एंड जस्ट अभी लैंड ही किया होता हूँ,
और मैं टीमिंग कर रहा होता हूँ उस एनिमी से, लेकिन ये बंदा जैसे ही मूव करता समझ आता है मुझे कि इसने देखा ही नहीं, तो उसको इजीली फिनिश करने के बाद जस्ट केप टाउन के अंदर मैं जाके लूट वगैरह कर लेता हूँ। अब उस वाली एरिया से निकलने के बाद यहाँ पे आप लोग देखो हमें एक सब्सक्राइबर हमारे मिलते हैं जो कि हमसे जस्ट टीमिंग कर रहे होते हैं। बस एक अच्छी बात है कि भाई जो टीमिंग करने लगता है बिल्कुल, नहीं तो मेरे को थोड़ा सा डर भी लग रहा था क्योंकि मेरे पास यहाँ पे MP5 है एंड उसे अपने अपने सब्सक्राइबर बोल लो उनके पास जो MP40 थी, जस्ट हल्का सा आगे जाते के साथ ही टॉप 5 हो चुका है, सॉरी टॉप 10 हो चुका है यहाँ पे भाई बहुत सारे। अरे भाई अरे अभी क्यों ज़ूम मार रहे हो, क्या कर रहा है, गाड़ी से उड़ा के मार दिया मुझे इसने तो, लॉल मोमेंट, जस्ट मैडी मार रहा था और उसने मार दिया एंड मेरे सब्सक्राइबर को भी इस बहुत ज्यादा डैमेज दे रहा है। टीममेट ही मार लो एंड जस्ट देखते हैं कि कौन किसको मारता है। यार हमारा सब्सक्राइबर पीछे से ही मर गया, लॉल हो गया, छोड़ो यार कोई इशू नहीं है। इस वाली गेम में तो 21 का प्लस लगता है एंड यहाँ पे हमारे हीरोइक के 2 स्टार लग चुके हैं फाइनली एंड जस्ट यहाँ पे टॉप 6 के अंदर मैं एलिमिनेट होता हूँ। जस्ट अभी रिम नाम के अंदर मैं लैंड ही किया हूँ एंड यहाँ पे एक एनिमी है मेरे साथ में, इसने वो हीरो वाला बंडल पहन रखा है एंड इजिली इस एनिमी को मैंने हेडशॉट देके फिनिश कर दिया एंड इसको फटाफट से फिनिश भी कर देते हैं। यहाँ पे इस बंदे के पास दिमित्री था, ऑल राइट। अब इसको किल वगैरह करने के बाद मैं जस्ट आगे जाता हूँ एंड यहाँ पे मुझे पता नहीं क्या चीज़ देखने को मिलती है, ये गरीना ने ये सब चीज़ें कब ला दी पता ही नहीं चला एंड जस्ट यहाँ पे गोल करने के बदले में क्या मिला, ऑल राइट कुछ तो मिला यार यहाँ पे लूट वगैरह है शायद से। मतलब आप लोगों ने क्या चेकआउट वगैरह किया क्या, मतलब अभी तक तो अपडेट भी नहीं आया था जब मैं वीडियो शूट कर रहा था। अब वहां से निकलने के बाद ना गाइस यहाँ पे मैं आता हूँ अपनी क्लॉक टावर के अंदर एंड जस्ट मर जाता हूँ। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अब मुझे नहीं पता कि मेरे को कौन कहां से मार रहा है। तब बाद में मुझे पता चलता है ये बंदा जो है ग्लिच का यूज कर रहा है। अब मैं चाहता तो मैं इसको रिपोर्ट मारता लेकिन बंदा रैंक पुशिंग कर रहा है तो क्या ही बोले यार इसे। आप लोग ये सब चीजें मत करना क्योंकि आईडी जो है ब्लैकलिस्ट हो जाती है ये सब चीजें करने से। अब उसकी अगली गेम के अंदर यहाँ पे मैं जोन के अंदर फंस जाता हूँ लेकिन फिर भी जस्ट एक किल मैंने अभी भी कर दिया और फटाफट से मैं वॉल वगैरह तोड़ के आगे की साइड में जाऊंगा यार क्योंकि बहुत ज्यादा डैमेज दे रहा होता है जोन। ये सबसे बेस्ट सीजन मुझे लगा जिसके अंदर मेरी बहुत ही स्मूथली रैंक पुशिंग हो रही है, लाइक ज्यादा माइनस वगैरह नहीं लग रहा। अब एक एनिमी और होता है पीछे की साइड में, उसको मैंने नॉक करा है। यहाँ पे मैंने FGL फेंका, लेट्स सी FGL से मरता है नहीं मरता है, लेकिन FGL से नहीं मरता, मैंने इसको बॉडी बॉडी से मार दिया, फिनिश कर दिया एंड आखिरी का ही एनिमी बचा इस गेम का जो कि जस्ट मेरे सामने की साइड में, इसको एक शॉट मैंने कनेक्ट किया, फटाफट से रश मारेंगे एंड इसकी स्किल भी मैंने ब्लॉक कर दी एट द एंड AWM के शॉट के साथ फिनिश कर दिया इस एनिमी को। यहाँ पे मेरे 5 किल कंप्लीट हो जाते हैं एंड ये वाला गेम पे भी आराम से बोया निकल जाता है जिसके अंदर यहाँ पे मेरा 36 का प्लस लगता है। बस 1 स्टार और चाहिए जिसके बाद मेरा हीरोइक इलीट हीरोइक लग जाएगा। ओके एंड उसके बाद गाइस जस्ट 1 बज जाते हैं रात के एंड मुझे जो AWM का ये मिल जाता है टाइटल और मुझे कोई भी आइडिया तक नहीं था कि मुझे अब जाके मुझे पता चलता है कि यार अब रियलाइज होता है कि चलो अब AWM पुश करते हैं इस वाले सीजन में। सो यहाँ पे उसके नेक्स्ट गेम से जो है ना मैं AWM को थोड़ा सा सीरियस लेने लग जाता हूँ एंड AWM ही उठाता हूँ हर गेम में। यहाँ पे मेरे पास AWM ही है एंड एक एनिमी है, FGL से थोड़ा सा डैमेज दिया 18 का एंड ये एनिमी जो है ना भागने का ट्राई कर रहा है क्योंकि इसको पता है FGL से काफी डैमेज आएगा जो कि आ भी रहा है बेचारे को, जस्ट बाहर मूव करते हैं एंड इजीली एक शॉट कनेक्ट होते इसके साथ ही बेचारा मर गया। अब वहां से निकलते निकलते एक एनिमी और होता है पीछे की साइड में, ये बंदा भी बहुत डैमेज दे रहा है यार, लेकिन एट द एंड मैंने इसको नॉक करके फिनिश कर दिया और यहाँ पे मेरे 4 किल कंप्लीट हो जाते हैं इस वाली गेम में। यहाँ पे मैं बहुत ही गंदे तरीके से फंस जाता हूँ, आप लोग खुद चेकआउट करो, भाई बंदा बहुत डैमेज दे रहा है, MP40 से हेडशॉट मार के नॉक कर दिया, फिनिश ही हो गया ये बंदा एंड यहाँ पे इतनी देर में जस्ट मैं मेडिकेट मार के हील ही होता हूँ कि एक और बंदा आ जाता है। इस एनिमी को एक शॉट कनेक्ट किया और देखो आप लोग मैंने उसको कितनी बॉडी मारी लेकिन उसके बावजूद भी नहीं मरा एंड जस्ट मैं खुद भी 10-20 की HP का हूँ। एट द एंड इसको मैंने मार दिया साइबर पीटर को, लेकिन जस्ट मैं मेडिकेट मार के फिर से जोन में जा रहा था कि सामने से कोई और एनिमी मार देता है। शिट, लाइक मेरी थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा हो रही है सीजन में, आई डोंट नो व्हाई बट बहुत ज्यादा हो रही है, बट बोया भी बहुत ज्यादा निकल रहे हैं। अब जस्ट गेम बैक मारते के साथ यहाँ हमारा 27 का प्लस लगता है, बिल्कुल चुन्नू सा प्लस रह गया यार अपने इलीट हीरोइक लगाने के लिए। ऑल राइट, सो यहाँ पे आप लोग सोच रहे हो कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं AWM का जो है ना शॉट कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि सामने वाला एनिमी जो है ना वो M82 भी चला रहा है, इस वजह से जस्ट मैं फटाफट से पहले मेडिक करके हील कर लूँ एंड वो एनिमी जो है ना खिड़की के ऊपर है, पीक दिखा रहा है, हेडशॉट खा गया भाई बंदा अपना। यहाँ पे 1 किल मेरे को इजीली मिल जाता है, आगे जाते के साथ ही एक और एनिमी मेरे ऊपर रश मार देता है, थोड़ा सा रिस्क नहीं लेंगे यार क्योंकि बंदा भी अच्छा लग रहा है, M10 से किल करेंगे इसे। एट द एंड इसको पूरा फिनिश कर दिया मैंने, 2 किल कंप्लीट हो जाते हैं इसी वाले एरिया के अंदर। अब उन एनिमी से लूट वगैरह करने के बाद मैं आगे आता हूँ, यहाँ पे 2 बंदे फाइट ले रहे हैं आपस में, थर्ड पार्टी करेंगे, एक शॉट कनेक्ट, इजीली फिनिश। यहाँ पे मेरी तरह ये भी ज़ॉम्बी समुराई आया है और इसको भी फिनिश कर दिया हेडशॉट मार के, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। 2-2 किल आ गए यहाँ पे, 4 किल कंप्लीट हो जाते हैं। सो आखिरी ये 2 बंदे, एक एनिमी डाउन हो गया एंड किल भी कर देते हैं इसे, किल भी हो गया। अब आखिरी का बंदा बचा है जिसको काफी डैमेज दिया यार मैंने,
बंदे के पास 4 लेवल का वेस्ट है और काफी अच्छा मूवमेंट भी है। मैं पहले सोच रहा था उसको एडलम से मारूं, लेकिन भाई बंदा बहुत डैमेज दे देता है। आप लोग यहाँ पे देखो, वो अपने आपको हील नहीं कर रहा, वो जस्ट मेरे को किल करने के पीछे पड़ा हुआ है। तो पहले मैं अपने आपको हील कर लूँ, कहीं उसके चक्कर में मैं ही मर जाऊँ। M10 रीलोड करके चलेंगे यार, क्योंकि मुझे लग ही रहा है बंदा मार ही देगा। भाई मेरी गोली सारी रिकॉइल एट दी एंड। अरे भाई सिर्फ 10 की HP का छोड़ा है, मर जा यार। यहाँ पे एट दी एंड मैंने इसको एडलम से मार दिया, नहीं तो ये बंदा सच में मुझे मारने का दम रखता था। मतलब बहुत मुश्किल था यार इसको मारना। अब उसके बाद ही जो है मेरा इलीट हीरोइक फाइनली लग जाता है गाइस। मतलब खुशी तो क्या ही बोलूँ, लेकिन फिर भी अच्छा हुआ इलीट हीरोइक लग गया। रात के 3 बजे के आसपास तक मेरा इलीट हीरोइक लग गया था। 42 यहाँ पे प्लस होता है मेरा एंड बोया होता है गेम। सो यहाँ पे आप लोग इस वाली गेम में चेकआउट करो, यहाँ पे मैंने 125 का डैमेज दिया एनिमी को। एंड हाँ, मैं आपको पहले बता दूँ, मेरे 12 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं 24 घंटे के अंदर से, जिनके अंदर मैंने इलीट हीरोइक लगा लिया है। और बस कुछ और रैंक बाकी है, आखिरी के 2 एनिमी बचे हैं इस वाली गेम के अंदर, जो कि पीछे की साइड में मैं FGL से इनको डैमेज देता हूँ काफ़ी सारा। एक एनिमी तो मेरी FGL से ही मर जाता है, लेकिन एक बंदा जो है जस्ट दिखता है मेरे को हल्का सा पीक, एक शॉट कनेक्ट हुआ है। आगे जाएंगे एंड ये बंदा जोन में आने का काफ़ी जद्दोजहद कर रहा है। यार बंदे के पास होमर था, उस साइड से निकलेगा। हाँ, एक और शॉट कनेक्ट कर दिया, अब तो ये एनिमी वैसे ही फिनिश है। और इजीली इसको मारने के बाद 7 किल के साथ ये वाला गेम प्ले भी मेरा बोया निकलता है। और मैं जानबूझ के वो बोया वाले गेम प्ले नहीं दिखा रहा हूँ, मेरे लग रहे हैं बोया, इस वजह से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे 47 का प्लस होता है एंड उसके अगली गेम के अंदर 48 का प्लस होता है, क्योंकि वो वाला गेम प्ले भी बोया निकला था। 6 किल तो मेरे ऑलरेडी हो रखे हैं, लेकिन इस वाली गेम के अंदर जो है ना सारे के सारे एनिमी मेरे ऊपर ही चढ़े जा रहे हैं, आई डोंट नो वाई। यहाँ पे भी आप लोग देखो, एक एनिमी जस्ट मेरे ऊपर मतलब मारने को दौड़े जा रहा है। और इसी लोकेशन के अंदर ना मैंने 3 से 4 किल ऑलरेडी करे हैं, अभी कोई इशू नहीं है। ओम से मारने का ट्राई करेंगे, पीक ही नहीं दिख रहा यार, शॉट कनेक्ट हो जाए बस एक और हो गया। और भाई बंदे ने एडजेंट बॉल डैमेज दिया, लेकिन इस एनिमी को किल करने के बाद फटाफट से मैं हील करता हूँ। इतनी देर में यहाँ पे और भी एनिमीज आ जाते हैं और देखते देखते आखिरी का ही बंदा बचता है। यहाँ पे मेरे 9 किल हो जाते हैं। मतलब सीरियसली इस लोकेशन के अंदर बहुत एनिमी आते हैं। यहाँ पे ये बंदा बहुत कोशिश करता है बचने की, लेकिन एट दी एंड मैं उसको मार देता हूँ। यहाँ पे 10 किल के साथ ये वाला गेम प्ले भी बोया एंड जस्ट इस गेम के बाद ही जो है मेरा लग जाता है हीरोइक के 5 स्टार। आप लोग सोच रहे होंगे भाई 4 स्टार तो दिखाया नहीं, क्योंकि वो वाला क्लिप शूट ही नहीं कर पाया मैं। बाद में मुझे रियलाइज होता है कितना ज्यादा डैमेज दे रहा है यार पीछे से बंदा, कितना ज्यादा डैमेज दिया एनिमी ने। और एक बंदा और आ गया यहाँ पे, इसका स्किल तो मैंने ब्लॉक कर दिया, लेकिन एट द एंड इस बंदे ने हेडशॉट से मार दिया। 47 लेवल के बंदे ने हेड मारा, वो भी बहुत क्लीन वाला। यहाँ पे 21 का प्लस होता है मेरा, बंदे का गेम प्ले काफी अच्छा था। उसके नेक्स्ट गेम के अंदर यहाँ पे मेरा 41 का प्लस होता है, क्योंकि गेम बॉय निकलता है। एंड इस वाली लोकेशन के अंदर आप लोग देखो, मैं ये वाला पानी वाला गाड़ी चला रहा था, मुझे इस गाड़ी का नाम नहीं पता, लेकिन एक एनिमी मेरी गाड़ी तोड़ देता है। और जस्ट जैसे ही एनिमी तोड़ता है मेरी गाड़ी, मैं फटाफट से उसके ऊपर रश मारता हूँ। बट ये एनिमी जो है बहुत ही गंदी तरीके से मुझे फिनिश करता है। Max 7 सीरियसली बहुत खतरनाक गन है यार, यहीं पटक के चुरेंगे, बच के रहना चाहिए Max 7 वालों से। यहाँ पे 11 का प्लस होता है। और नेक्स्ट गेम के अंदर आखिरी का एनिमी बचा है, जिसको मैं बहुत ही ज्यादा डैमेज देता हूँ ओम का। ऑलरेडी एक शॉट और कनेक्ट किया, और आप लोग देखो मैंने इसको एक शॉट और कनेक्ट किया। भाई 300 से भी ज्यादा का HP लेके बैठा है क्या, सीरियसली? मतलब मरने का नाम ही नहीं ले रहा ये बंदा है? या तो कुछ ग्लिच है या फिर इसने कुछ कर रखा है, आई डोंट नो। एक शॉट और कनेक्ट किया मैंने, शायद वो पैन पे लग गया इसके, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे 150 का एक और शॉट कनेक्ट किया मैंने, आप लोग बताना कि कितने शॉट कनेक्ट करें इसे। लेकिन इस बार शायद से ये डैमेज हुआ है, तो उसने वॉल पैक कर लिया अपने आपको। एंड मैं ग्लूमेटर अगेन फेंकता हूँ, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो मैं इसको बहुत डैमेज दिया है। M10 से पूरी की पूरी M10 भरने के बाद भी नहीं मरता ये बंदा। अनलिमिटेड HP लेके आया था यार ये बंदा, क्या ही बोलूं, सीरियसली बोया मिस हो गया। 30 का प्लस होता है ओनली, वरना 38 का प्लस होता बोया कर लेता तो। उसके नेक्स्ट गेम के अंदर मेरा बोया निकलता है, जिस वजह से 38 का प्लस होता है। एंड उसके भी अगले गेम के अंदर यहाँ पे हमारा 19 का प्लस होता है। अब सिर्फ मुझे 100 का प्लस चाहिए ग्रैंड मास्टर के लिए, 100 भी नहीं 50 के आसपास का प्लस चाहिए। बिल्कुल, इस वाली गेम के अंदर मेरे पास AWM और M10 है। और आप लोग सोच रहे भाई AWM क्यों यूज कर रहे हो इतना, क्योंकि यार मैं पुश कर रहा हूँ इस सीजन इंडिया में टॉप 1 मारने का ट्राई करेंगे AWM के अंदर एट दी एंड ऑफ द सीजन। यहाँ पे एक एनिमी है, भाई बंदे को डैमेज तो दिया मैंने, बंदे ने काफी डैमेज दी थी मुझे अचानक से ही। एट दी एंड से जाते जाते मैंने नॉक कर दिया TJ राजू। अब यहाँ पे फटाफट से इस भाई को फिनिश करने के बाद आखिरी का एनिमी बचता है इस गेम का, जो कि नीचे की साइड में होता है। और ये बंदा जो है बहुत गलत तरीका इस्तेमाल कर रहा है मेरे को मारने के लिए, लाइक M8 भी यूज कर रहा है AWM वाले के सामने। इसने बहुत डैमेज खाया सीरियसली मेरी FGL से। और एट दी एंड एक शॉट कनेक्ट करते ही बोया निकल जाता है ये वाला गेम, जिसके अंदर यहाँ पे मेरा प्लस लगता है 37 का, 38 का लगता है वैसे तो। यहाँ पे अब ये इस वाली गेम के अंदर गाइस हमारा फाइनली ग्रैंड मास्टर लग जाएगा। सो यहाँ पे मेरे 2 किल कंप्लीट हो जाते हैं, एक एनिमी को मैंने हेडशॉट मारा। अब यहाँ पे इस वाली लोकेशन से निकल के यहाँ पे मैं आता हूँ, और ये बंदा जो है ना मेरा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा।
भाई घुमा घुमा के मारेगा क्या? एक और बंदा है, हर जगह से पड़ रही है यार इस वाली मैप के अंदर। तो नेक्स्ट टाइम मैं, मुझे इसलिए अजीब लगता है क्योंकि छोटा सा मैप है और जब डैमेज पड़ता है तो हर जगह से पड़ता है। एक एनिमी और है पीछे की साइड में, कहाँ से पड़ रही है अब? कोई इशू नहीं, पहले फटाफट से मैडी मार लूँ। लेकिन वो वाला बंदा देखो आप लोग, इस बारी तो हद ही कर दी, ऊपर ही चढ़ा दी यार इसने। लेकिन अब मैंने भी चला के दिखाई, मैं ही इसके मॉन्स्टर ट्रक पे बैठ गया। अब काफ़ी देर के बाद जो है ना, ये एनिमी यहाँ से जोन से निकलता है। सो जोन से जैसे ही निकलता है, हम इसकी गाड़ी में बैठे रहते हैं। मेरे साथ में एक और एनिमी होता है जो कि उतर गया। भाई ये बंदा काफ़ी अच्छी गाड़ी चला रहा है, उड़ाते हुए जा रहा है बंदों को। कोई दिक्कत नहीं, मैं उतर गया एंड फटाफट से आगे जाता हूँ। एंड मैं जो है ना अभी इसकी मॉन्स्टर ट्रक को फोड़ने लग जाता हूँ। एक एनिमी है पीछे, हेडशॉट से इजीली फिनिश, बैड बॉय। बंदों के नाम पढ़ो गाइस। आपका नाम हुआ तो पूछ भी नहीं, क्या क्या नाम है आपका? जी ब्लैक डेवल। तुरी बहन तो असली नाम बताओ। ऑल राइट, ये बंदा अभी भी बाज ही नहीं आ रहा। भाई उतर जा गाड़ी से। उतर गया, M10 से इजीली फिनिश कर दिया मैंने। अब जस्ट मैं इस एनिमी से जो है ना लूट वगैरह कर ही रहा हूँ कि ऊपर से मुझे पता नहीं कौन बंदा कहाँ से डैमेज देता है और इजीली ये भाई मुझे फिनिश भी कर देता है। सो यहाँ पे मेरा 24 का प्लस लगता है। एंड गाइस फाइनली हमारा इलीट हीरो से कन्वर्ट हो चुका है मास्टर। होल्ड ऑन, अभी मास्टर लगाया, अभी ग्रैंड मास्टर शो करेगा लॉबी के अंदर जब हम जाएंगे। सो दिल की धड़कने बढ़ रही है, कहीं आईडी ब्लैकलिस्ट तो नहीं है। यहाँ पे मेरा एनवलप कन्वर्ट हो चुका है मास्टर एनवलप में, और इस बारी पूरी कोशिश करूंगा मैं कि ग्रैंड मास्टर एनवलप पे कन्वर्ट कर दूं उसको। सो यहाँ पे गेम बोया तो नहीं निकला, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, गेम में चल के देखते हैं क्या सीन है। अबे ये क्या था, ग्रैंड मास्टर क्यों नहीं शो किया? भाई मेरा आईडी मास्टर पे क्यों शो कर रहा है? साले कुत्तों की जिंदगी। मास्टर गरीना वाले क्या कर रहे हैं यार, इस बारी भी ब्लैकलिस्ट कर दी क्या? मैं नहीं सहूंगा इस बारी। वेट वेट, ऑल राइट यहाँ पे तो मुझे ग्रैंड मास्टर शो कर रहा है, खोल के देखूं यार अपना आईडी। हाँ यार यहाँ पे आईडी तो मेरा प्रोफाइल के अंदर तो ग्रैंड मास्टर शो कर रहा है, बट मुझे पॉपअप क्यों नहीं आया वो ग्रैंड मास्टर? आई सीरियसली डोंट नो। मैं सोच रहा हूँ एक बारी ना मैं रीस्टार्ट करके आ जाऊँ, क्योंकि 6000 स्कोर मैं फटाफट से रीस्टार्ट कर लेता हूँ। अब जैसे ही मैं रीस्टार्ट करता हूँ, सो भाई दिल की धड़, ऑल राइट शो कर रहा है। फाइनली हमारा ग्रैंड मास्टर लग चुका है। एक बारी को तो भाई गरीना वालों ने मिनी हार्ट अटैक दे दिया था। मैं सीरियसली ना अभी ना इस गेम को डिलीट मार देता, क्योंकि अब दिमाग खराब हो जाएगा अब अगर आईडी ब्लैकलिस्ट हुआ। दो बारी ऑलरेडी हो चुका है। सो जस्ट एलिमिनेशन के अंदर हम रीजन में देखते हैं। यहाँ पे एलिमिनेशन के मामले में मैं 70 नंबर के अंदर आ चुका हूँ 570 किल करने के बाद, जो कि अपने आप में छोटी बात नहीं होती यार। स्टार्टिंग टाइम के अंदर ही 24 घंटे के अंदर हमने इतने किल कर लिए। और विंस के मामले में हम 12 नंबर के अंदर आ चुके हैं इंडिया के अंदर। गाइज मैंने 26 आवर के अंदर ग्रैंड मास्टर लगाया था, ना कि 24 आवर्स के अंदर। 2 घंटा एक्स्ट्रा लग गए थे क्योंकि मैं सो वगैरह गया था यार, थोड़ा सा अपने आप को भी रिलैक्स दे रहा था। और हम AWM के अंदर अपनी डिस्ट्रिक्ट साउथ ईस्ट के अंदर जो है आ चुके हैं नंबर 1 के अंदर, और नंबर अपने सॉरी स्टेट दिल्ली के अंदर जो हम आ चुके हैं नंबर 6 के अंदर। ये भी बड़ी बात है यार, क्योंकि मैं अभी स्टार्टिंग से कर रहा था ना पुशिंग AWM के अंदर, इस वजह से। और इंडिया के अंदर भी मैं आ गया 87 नंबर के अंदर। बाप रे बाप, इंडिया तो मैंने सोचा भी नहीं था, फाइनली इंडिया के अंदर भी हम लोग आ गए। तो कल से हमारे एपिसोड आने स्टार्ट हो जाएंगे AWM के, जिसको आप लोग जरूर प्यार एंड सपोर्ट दिखाना। होपफुली आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगा है, लाइक 3 से 4 दिन हो गए यार वीडियो अपलोड करनी थी, लेकिन थोड़ी सी डिले हो गई हेल्थ इशू की वजह से। मैं मिलता हूँ आपसे अब अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय। गाइज अगर आप लोग भी गेम खेल के अर्निंग करना चाहते हो, तो मैंने अपने सेकंड चैनल पे एक सीरीज ला रखी है जिसके अंदर मैं गेम खेल के ही अर्न करके आपको दिखा रहा हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे उस सीरीज के अंदर, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और हाँ ओशान ऑफिशियल को भी सब्सक्राइब कर लेना, वो भी हमारा ही चैनल है।